नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नरनवित नरेश पर। छात्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टैलकॉट पार्सन्स की बायोग्राफिकल स्केच और उनकी राइटिंग्स पर। टैलकॉट पार्सन्स का जन्म 1902 में हुआ। बचपन से ही पार्सन्स एक अच्छे विद्यार्थी हुआ करते थे और नवीन चीज़ों के प्रति स्वभावतः आकृष्ट हो जाया करते थे। 1924 में टैलकॉट पार्सन्स ने इम्हार्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। 1924-25 में पार्सन्स ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हाबहाउस, जिन्सबर्ग और मलिनोवस्की के साथ रहकर समाजशास्त्र और मानवशास्त्र का अध्ययन किया। 1925 के अंत में उन्हें जर्मनी में अध्ययन के लिए एक फेलोशिप मिल गई। 1925-26 में उन्हें हैंडलबर्ग विश्वविद्यालय में मैक्स वेबर की कृतियों का अध्ययन करने का अवसर मिला और इन्होंने मैक्स वेबर की प्रख्यात कृति द प्रोटेस्ट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। आइए चर्चा करते हैं टैलकॉट पार्सन्स की जो मुख्य कृतियां हैं इन पर। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और टुवर्ड अ जर्नर थ्योरी ऑफ एक्शन, इसमें पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत की स्थापना की, जिनको वॉलेंट्री थ्योरी ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ऐसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। इनकी तीसरी पुस्तक द सोशल सिस्टम, जिसमें इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया। इनकी पांचवी पुस्तक है वर्किंग पेपर इन द थ्योरी ऑफ एक्शन। पार्सन्स सामाजिक क्रिया और सामाजिक व्यवस्था, साथ ही साथ प्रकारवादी सिद्धांत कार के रूप में जाने जाते हैं। इनके अलावा पार्सन्स ने समाजीकरण पर भी कार्य किया। 1955 में पार्सन्स ने फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस नामक पुस्तक की रचना की। में पार्सन्स ने अपने शैक्षणिक पद से अवकाश ले लिया और 1978 में पार्सन्स की मृत्यु हो गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।